तो गाइज जितने भी फ्री स्टाइल वाले या फिर वन टैप वाले प्लेयर्स होते हैं उन सबका एक ड्रीम होता है कि हमारा हर बार या फिर मैक्सिमम टाइम हेडशॉट लग सके। जैसे हैकर का हर बार वन टैप हेडशॉट लगता है, वैसे ही ये सब प्लेयर्स भी चाहते हैं कि हमारा हर बार वन टैप हेडशॉट लगे या फिर मैक्सिमम टाइम वन टैप हेडशॉट लगे। तो ये जो हर बार वन टैप हेडशॉट मारने वाली बात है इसको आप साइड में कर दो, क्योंकि हर बार वन टैप हेडशॉट किसी का भी नहीं लग सकता है। बट मैक्सिमम टाइम की बात करें, जैसे कि 10 में से 9 हेडशॉट, 9 में से 8 हेडशॉट, तो ये काम हम कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको 3 ऐसी ड्रिल्स के बारे में बताने वाला हूं जिनकी आपने डेली प्रैक्टिस करनी है। और ये बात मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि अगर आप इन ड्रिल्स की प्रैक्टिस अच्छे से 5 दिन भी कर लेते हो तो उसके बाद आप खुद आके कहोगे कि भाई मेरे हाथ में जादू आ गया है और मेरे हेडशॉट्स ऑटोमेटिकली लग रहे। मतलब कि वही बात कि आपके मैक्सिमम टाइम वन टैप हेडशॉट लगेंगे और मिस होने के चांस काफी ज्यादा कम हो जाएंगे। और अगर आप लगातार प्रैक्टिस करते रहोगे फिर आपका गेम प्ले हैकर की तरह बन जाएगा, क्योंकि आपके हेडशॉट्स मिस ही नहीं होंगे। तो सबसे पहले ड्रिल की प्रैक्टिस के लिए आपने ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर आ जाना है और अपना कोई भी फेवरेट गन परचेज कर लेना, और उसके बाद आपने इन दोनों पुतलों को लगातार वन टैप हेडशॉट मारने का ट्राई करना। जैसा मैं अभी आपको करके दिखा रहा हूं, आपने कोई भी गन अपने हिसाब से परचेज कर लेना है जो भी आपको अच्छा लगता है, और उसके बाद आपने लगातार इन दोनों पुतलों को वन टैप हेडशॉट मारने का ट्राई करना। इससे होगा क्या कि आपकी हेडशॉट की एक्यूरेसी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि आपके थंब को अच्छे से पता लग जाएगा कि मुझे हेडशॉट मारने के लिए कितना ड्रैग करना पड़ता है। तो फिर इन गेम के अंदर जब आप हेडशॉट मारने के लिए फायर बटन को ड्रैग करोगे तो आपका थंब ऑटोमेटिकली उतना ड्रैग कर देगा जितना हेडशॉट मारने के लिए चाहिए, और फिर आपका हेडशॉट हर बार लग जाएगा। तो आपने डेली यहाँ पे प्रैक्टिस करनी है और इस माइंडसेट के साथ प्रैक्टिस करनी है कि मेरा एक भी हेडशॉट मिस नहीं होना चाहिए। जब आप इस माइंडसेट के साथ प्रैक्टिस करोगे फिर आप अच्छे से एम करोगे, और उसके बाद ड्रैग करने से पहले आप सोच समझ के अच्छे से ड्रैग करोगे। अगर आप हैकर की तरह कंटिन्यू अपने एनिमीज को हेडशॉट मारना चाहते हो तो आपने इस ड्रिल की प्रैक्टिस करनी है डेली। सेकंड ड्रिल भी इसी से मिलती जुलती होने वाली है, तो आपने शूटिंग प्रैक्टिस के अंदर आ जाना है, और यहाँ पे आने के बाद आपने इन सब पुतलों को लगातार वन टैप हेडशॉट मारने का ट्राई करना। और इस ड्रिल के साथ आपके एम की भी प्रैक्टिस हो जाएगी, और आपको दोनों चीजों की प्रैक्टिस करनी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपको एमिंग एक्यूरेसी के साथ हेडशॉट एक्यूरेसी दोनों की जरूरत पड़ेगी। मैक्सिमम टाइम या फिर ऑल टाइम हेडशॉट मारने के लिए आपका एम भी परफेक्ट होना चाहिए, और उसके साथ आपको परफेक्ट ड्रैग करना पड़ेगा, तब जाके आप हर बार वन टैप हेडशॉट मार सकते हो। जब आप इस ड्रिल की प्रैक्टिस करोगे फिर आपके दोनों चीजों की प्रैक्टिस हो जाएगी, और इसमें जो पुतले होते हैं वो कई बार क्लोज रेंज में प्रकट होते हैं और कई बार लॉन्ग रेंज में प्रकट होते हैं, तो आपकी रेंज के हिसाब से भी प्रैक्टिस हो जाएगी। और जब आप इन सब पुतलों को, जितने भी पुतले जहां पे प्रकट होते हैं, अगर आप इन सबको हेडशॉट मार पाओगे फिर आपका हेडशॉट एक्यूरेसी काफी ज्यादा खतरनाक हो जाएगा। तो इसकी भी आपने डेली प्रैक्टिस करनी है, चाहे 1 मिनट ही करना बट आपने डेली इसकी प्रैक्टिस करनी है। 1 मिनट प्रैक्टिस करने के बाद भी आपके हेडशॉट्स में काफी ज्यादा चेंज आ जाएगा। लास्ट ड्रिल गाइज काफी ज्यादा खतरनाक होने वाली है, अगर आप इसकी डेली प्रैक्टिस करते हो और अगर आप इस प्रैक्टिस को परफेक्ट तरीके से करना सीख गए फिर आप एक फेयर हैकर बन जाओगे, क्योंकि जो हैकर होता है वो अनफेयर होता है, बट इस ड्रिल की प्रैक्टिस के साथ आप फेयर हैकर बन सकते हो। तो जितना ज्यादा खतरनाक इस ड्रिल का रिजल्ट है उतनी खतरनाक ये ड्रिल भी है। तो आपने किस तरीके से प्रैक्टिस करनी है मैं आपको वो बता देता हूँ। तो आपने यहाँ पे आ जाना है, शूटिंग प्रैक्टिस के अंदर आने के बाद आपने बिगिनर के ऊपर सेलेक्ट कर लेना है, और उसके बाद इस सेट जो भी पुतला निकलेगा आपने उसको वन टाइम मारना है, और उसे वन टाइम मारने के बाद आपने स्क्रीन को रोटेट करके जो इस साइड पुतला होता है आपने उसको वन टाइम मारना है, और उसके बाद फिर से जो पुतला निकलेगा आपने उसको वन टाइम मारना। वन टैप आपका लगे या फिर ना लगे स्टार्टिंग में आपने प्रैक्टिस ही करनी है, चाहे आपका बॉडी शॉट भी लगे फिर भी आपके गेम प्ले में थोड़ी थोड़ी इंप्रूवमेंट आएगी। इस वाली ड्रिल के साथ आपकी एमिंग एक्यूरेसी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि आपको एम ट्रांसफर करना पड़ रहा है यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, इससे आपका एम काफी ज्यादा परफेक्ट बन जाएगा और हेडशॉट एक्यूरेसी भी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी, और एम ट्रांसफर करने के बाद भी आप इजिली हेडशॉट मार पाओगे। और स्टार्टिंग में इस ड्रिल की प्रैक्टिस करते टाइम आप ये ध्यान रखना कि आपने इसी जगह पे खड़े रहना है और जॉयस्टिक को टच नहीं करना है, ना ही आपने भागना है, और यहीं पे खड़ा रह के आपने प्रैक्टिस करनी। ये ड्रिल सबसे ज्यादा खतरनाक है और इसका रिजल्ट भी सबसे ज्यादा खतरनाक होने वाला है। तो अगर आप 5 दिन भी इन ड्रिल्स की प्रैक्टिस करते हो तो आपका गेम प्ले 5 दिन के बाद ही नेक्स्ट लेवल हो जाए। तो इस वीडियो के ऊपर हम लाइक एम करते हैं 353 लाइक्स का, कंप्लीट करवा देना और कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो बस फिर गाइज इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। टाटा बाय बाय।